वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के अगर हम इतिहास को देखते हैं तो एक चीज़ तो तय हो जाती है कि उस समय से विश्व तौर पर कोवर्ट ऑपरेशंस जो थे उसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा करते थे। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता था कि इनके थ्रू जो भी देश साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस किया करते थे वो प्रोपोगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन और डिसेप्शन बेस्ड ऑपरेशंस को रन किया करते थे। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान यानी कि शीत युद्ध के दौरान ये जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हुआ करते थे इन्होंने एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन प्राप्त की थी। वो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन प्राप्त करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि शीत युद्ध एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी, एक वैचारिक लड़ाई थी, विचारधारा की लड़ाई थी। एक जगह पर सोवियत की कम्युनिस्ट विचारधारा थी और दूसरी जगह पर कैपिटलिस्ट विचारधारा थी अमेरिका की। जैसे ही 20वीं सदी की ओर हम बढ़ते हैं और 20वीं सदी से 21वीं सदी के इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं तो इस पूरे पीरियड में जब से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, इस कंप्यूटर की डेवलपमेंट के बाद जब इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन का स्प्रेड एक जगह से दूसरी जगह पर तेज हुआ तो एक चीज़ तय हो गई कि ये जितने भी साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस थे इन साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस ने एक नया बदलाव झेला। अगर शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो किया था वो था बेसिकली ऑपरेशन केओस। ऑपरेशन केओस CIA के द्वारा अमेरिका के जनता के सामने और वियतनाम की जनता के सामने एक सोवियत के खिलाफ और उसकी विचारधारा के खिलाफ एक लड़ाई थी। ये वियतनाम वॉर के दौरान वियतनाम के अंदर और वियतनाम के आसपास के देशों में एक प्रो अमेरिका सेंटिमेंट बनाना और अमेरिका की जनता के अंदर एक प्रो ऐसा सेंटिमेंट बनाना कि हमारा प्रेजेंस वियतनाम में ज़रूरी है, उस पर्टिकुलर कोवर्ट ऑपरेशन के तहत ये जो ऑपरेशन केओस CIA ने चलाया था, आज की डेट में इंटेलिजेंस हिस्ट्री में हम इसको सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल ऑपरेशन मानते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स के बाद, इंटरनेट के बाद जो बदलाव आया इन साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पर से, वो ये आया कि अब इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन क्लिक ऑफ द बटन पर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और सबसे बड़ी बात, इंटरनेट आज की डेट में नैरेटिव बनाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसीलिए आज जो साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं, क्योंकि अब वो इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों से लेके यूट्यूब से लेके ट्विटर यानी कि एक्स, इससे लेके जुड़ चुके हैं, तो आज की डेट में ये सारे के सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस को हम लोग इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस कहते हैं। एक चीज़ को समझिए, बहुत से देश ऐसे हैं जिसमें से सबसे बड़ा देश चीन हमारे जो बगल में बैठा है वो एक देश है जिसने इस इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस को करने के लिए एक मास्टरी बनाई है। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक साधारण लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस। इनको नॉन काइनेटिक इसलिए किया जाता है और कहा जाता है क्योंकि इन ऑपरेशंस में किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं होता। जब आप बल का प्रयोग नहीं कर रहे, कोई आप असला बारूद का प्रयोग नहीं कर रहे, तो ये कोई काइनेटिक ऑपरेशन नहीं, ये एक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है। इस नॉन काइनेटिक ऑपरेशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है उसका प्रयोग किया जाता है और उसको एक टूल किट बना के दूसरे देश में उसको लोगों तक भेजा जाता है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है इस इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का कि जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है वो टारगेट ऑडियंस का सोचने की क्षमता को बदला जाए। दूसरे देशों में इसकी वजह से डिस्कॉर्ड पैदा होता है। डिस्कॉर्ड के कारण सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दो देशों के बीच में एनिमिटी भी कई बार प्रमोट हो जाती है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस हैं आज की डेट में, अगर हम चीन की बात करें तो चीन के पुराने एंशंट समय के जो थिंकर था जिसका नाम था सुनजू, ये उन सुनजू की एडवाइस के ऊपर बेस्ड हैं। क्योंकि सुनजू ने ये बोला था कि असली लड़ाई वो होती है जिसमें आप बिना लड़े अपने एनिमी को हरा दें और अपने एडवर्सरी को हरा दें। और आज इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस उसी लॉजिक के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें इंटीग्रेटेड तरीके से मैसेजिंग की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैसेजिंग किस प्रकार की होती है। एक तो हुआ साइकोलॉजिकल वॉर कि भारत के अंदर किसी भी तरीके से डिस्कॉर्ड पैदा किया जाए। लेकिन अगर हम भारत का कॉन्टेक्स्ट देखें तो चीन पिछले कई सालों से
एक नए गेम प्लान पे लगा है, और वो गेम प्लान है इग्निशन प्लान। इग्निशन प्लान का क्या मतलब है और चीन का ये इग्निशन प्लान क्या है? देखिए, पिछले चंद सालों से आपने भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पेक्यूलियर एस्पेक्ट देखा होगा। वो पेक्यूलियर एस्पेक्ट ये है कि भारत आज की डेट में वेस्टर्न देशों से अपनी सहमति बढ़ा रहा है, अपना इंगेजमेंट बढ़ा रहा है। जैसे जैसे भारत बड़े देशों के साथ इंगेजमेंट अपना बढ़ाएगा, और वो सारे देश ऐसे होंगे मजबूरन जो कि चीन के साथ अच्छे नाते नहीं रखते, तो जाहिर सी बात है कि चीन को इरिटेशन होगी। और क्योंकि जब चीन को इरिटेशन होगी तो चीन का एक ही उद्देश्य रहेगा कि उन वेस्टर्न देशों में और भारत के बीच में किसी तरीके से कुछ डिस्कॉर्ड पैदा करें, कुछ इरिटेशन पैदा करें, जिसकी वजह से वो वेस्टर्न देश भारत को नापसंद करें। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर दो सबसे बड़े उदाहरण आते हैं हाल ही में, क्योंकि भारत ने जब से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको क्वाड से भी हम जानते हैं, जब से उस क्वाड का हिस्सा बनने की कोशिश की है और जब से वो क्वाड का मेंबर बना है, तब से चीन की तरफ से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई है। चीन क्वाड के अंदर भारत की प्रेजेंस नहीं फेवर करता। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत जैसे ही क्वाड में घुसा, क्वाड में घुसने से अमेरिका को इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ी प्रेजेंस भारत ने दी। चीन इस चीज़ से नाखुश है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के साथ मिलकर अमेरिका इंडियन ओशन के रीजन में आए, क्योंकि इंडियन ओशन का रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर चीन का बहुत सारा व्यापार होता है। और सबसे बड़ी बात, हाल ही में अमेरिका ने ऑकस नामक एक अलायंस बनाया है, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम US, और इस अलायंस के तहत उसने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट के तहत पैसिफिक ओशन में भी एंगेज किया है। अब आप इस कंस्ट्रक्ट को समझिए, इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन तक का एरिया, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग से लेके ऑकस तक का एरिया, जिसमें एक इंडो पैसिफिक पूरी बेल्ट आती है, इस इंडो पैसिफिक बेल्ट में जैसे जैसे अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ी है, भारत अमेरिका के साथ जुड़ा है, भारत यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा है, चीन को ये चीज़ें नहीं पसंद आई हैं। पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से चीन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चला रहा है। इस इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का नाम है इग्निशन प्लान। इस इग्निशन प्लान के तहत चीन आज की डेट में भारत के इन सारे देशों के साथ रिश्तों को खराब करवाना चाहता है। इसके दो उदाहरण दूंगा मैं आपको। सबसे पहला उदाहरण, ये जो हाल ही में आपने लगभग पिछले चंद दिन पहले एक बहुत ही बड़ी एक रिपोर्ट सुनी होगी जो अखबारों में आई, कि भारत के कुछ रॉ के एजेंट्स जो थे, उन्होंने गुप्तवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश करी अमेरिका में, और उसको लेके जो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार करी, ये उसका एक हिस्सा है। और ये सिर्फ हिस्सा इसका ही नहीं, इसी के साथ एक और इंसिडेंट को जोड़िए। इस इंसिडेंट के बाद तुरंत ही 1-2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई ऑस्ट्रेलिया में कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कुछ रॉ के एजेंट्स को अपने देश से एक्सपेल करके भगाया था। चीज़ को समझिए, ये जो सडन डिस्क्लोजर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इग्निशन प्लान के तहत। इस इग्निशन प्लान के तहत चीन आज की डेट में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उन सारे देशों के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा करना चाह रहा है, ताकि इन सारे देशों को कल को एक सेकंड डाउट होने लग जाए भारत की कैपेबिलिटी पे। और इस पूरे इग्निशन प्लान की शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जब कनाडा में निज्जर की हत्या हुई थी, उस निज्जर की हत्या जो कि खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा था और एक खालिस्तानी आतंकवादी था, जब से उस निज्जर की हत्या हुई, उस निज्जर की हत्या को भारत की रॉ के साथ जोड़ना और उसके साथ फजूल के एविडेंस को वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना, ये चीज़ चाइना इग्निशन प्लान के तहत कर रही है। चीन के पास आज की डेट में इतने रिसोर्सेज हैं कि वो वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, इन जैसे बड़े चैनलों में अपना पैसा लगा चुकी है। इन पैसों के थ्रू वहाँ पर उसके चुनिंदा लोग जर्नलिस्ट बन के बैठे हुए हैं, और वो उन जर्नलिस्ट्स का हमेशा तभी प्रयोग करती है जब उसको उसकी आवश्यकता हो।
उन जर्नलिस्ट्स को वो एक्टिवेट करके इस प्रकार की रिपोर्टें ही वो तब बनाती है जब उसको पता है कि उसकी आवश्यकता हो। भारत में चुनाव की अभी एक प्रक्रिया चल रही है और इस चुनावी प्रक्रिया में इस प्रकार की रिपोर्टें निकालना ये चाइना के इग्निशन प्लान का हिस्सा है। और अभी आप वेट कीजिए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगले जो 5 फेज हमारे चुनाव के भारत में बचे हैं, इन 5 फेजेस के ख़त्म होते होते आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि चीन के द्वारा इस इग्निशन प्लान के तहत वेस्टर्न देशों की तरफ से कुछ और नई रिपोर्टें आएंगी, कुछ और नए भारत के खिलाफ क्रिटिसिज्म होंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट से चीन क्या अचीव कर रहा है? चीन इस पूरे इन्फ्लुएंस ऑपरेशन के तहत भारत की जनता के मन में दुविधा पैदा कर रहा है। दूसरे देश, खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के देश हैं, उनके मन में एक दुविधा पैदा कर रहा है और वहाँ की जनता को एक मैसेज देना चाह रहा है कि आपकी सरकार यदि भारत से ज़्यादा जुड़ती है तो आप फ़ायदा देख लीजिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो चीज़ को समझिए, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट, ऑस्ट्रेलिया वाला इशू, निज्जर का इशू जो बार बार उठता जा रहा है, इन चीज़ों को लिंक करके देखिए, ये इग्निशन प्लान का हिस्सा है। और सतर्क रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर इस प्रकार की और रिपोर्टें उजागर होंगी। इन सारी रिपोर्टों का एक ही उद्देश्य है कि इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करके भारत और वेस्टर्न देशों के बीच में डिस्कॉर्ड पैदा करो, ताकि जो वेस्टर्न देश हैं उनको भारत एक क्रेडिबल प्लेयर ना लगे। तो आई होप कि ये जो वॉशिंगटन पोस्ट वाला इशू था, ये अब आपको क्लियर हुआ। और ये पॉइंट ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ आपको आखिर बताऊंगा कि आज की डेट में चीन जो कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस रन करता है, उन्हीं इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस के तहत वो नया खेल खेल रहा है कि अब वो लोगों के नाम वहाँ पर फैब्रिकेट कर रहा है कि इन लोगों ने निज्जर को मरवाया होगा, ये होगा वो होगा। आप सोच के देखिए कि निज्जर जो वहाँ पर मरा, जिसको लेके कनाडा पिछले लगभग 8 से 8.5 महीनों से लेके बैठा है, निज्जर कोई नोबल लॉरिएट नहीं था, निज्जर कोई भारत रत्न होल्डर नहीं था, निज्जर कोई नोबल पीस प्राइज होल्डर नहीं था, वो एक आतंकवादी था। और इस प्रकार के व्यक्ति को, जो भारत के अंदर सेसेशनिज्म की टेंडेंसी प्रमोट कर रहा था, उस व्यक्ति को लेके कनाडा की सरकार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस इशू को क्यों दे रही है? सोच के देखिए, इग्निशन प्लान का हिस्सा है, डिस्कॉर्ड पैदा होगा कनाडा के बीच में, भारत के बीच में, और कनाडा के साथ डिस्कॉर्ड होगा तो उसका इफेक्ट अमेरिका पे होगा, अमेरिका का कोई इफेक्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पे होगा। भारत की इज्जत को ख़राब करने का प्लान, इग्निशन प्लान। आने वाले समय में इस प्रकार की अगर रिपोर्टें आएँ, जो कि आएंगी अगले 2 से 3 महीने, ध्यान दीजिएगा, इग्निशन प्लान इज़ एट वर्क। थैंक यू।